हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज ना इतना ज़्यादा गर्मी है ना कि क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और अभी टाइम हो रहा है वही शाम, मतलब सो के उठी ना 3:30 बजे, बस उसी समय का टाइम है ये। तो सबसे पहले मैं उठ के ना सब्ज़ी ही बना लेती हूँ, क्योंकि बाद में ना इतना गर्मी लगता है ना कि क्या ही बताऊँ, और एकदम भी इच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, और मौसम ना थोड़ा सा धूप छांव वाला हो रहा है, लेकिन गर्मी उतना ही है, हवा का तो जैसे नामो निशान ही नहीं है। तो यहाँ पे वही मैं जैसे हर बार बनाती हूँ ना, वही मतलब पनीर की चिल्ली पनीर वाली सब्ज़ी बना रही थी, तो बस फटाफट से बन जाती है, तो आज वही मैं बना रही थी। तो ये जो है ना, मतलब पनीर को पहले मैंने मतलब मैदा वगैरह करके और इसे फ्राई करके रख दिया है, और उसके बाद मिक्स सब्ज़ी जो होती है ना, जैसे शिमला मिर्च प्याज को अच्छे, मतलब ज़्यादा नहीं भूनना होता है, बस इनका कच्चापन निकालना होता है। फिर इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाला है मैंने, और उसके बाद सौंफ डाल दिया है, और इसे ज़्यादा भूनना नहीं पड़ता है, ये थोड़ा सा वैसे ही रहता है। तो सौंफ डालने के बाद थोड़ा सा नमक डाला है मैंने चुटकी भर, ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा नमक से ना वो हो जाता है। और ये नमक वगैरह डाल के फिर मैंने इसी में पानी डाल दूँगी जितना मुझे डालना है, फिर इसी में पनीर डाल दूँगी। और ये इसमें ज़्यादा मसाले का भी झमेला नहीं होता है, सिर्फ सॉस समेत ध्यान रखना पड़ता है कि सॉस कितना डालना है। और काले वाली सोया सॉस, चिल्ली सॉस, ये सब मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर मंगा भी लूँगे तो वो गर्मी की वजह से ख़राब हो जाएंगे। और यहाँ पे ना उसके बाद मैं सब्ज़ी वगैरह बना के नहाना धोना कर ली थी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और भूख भी लग रही थी। तो बस हमने ये गोलगप्पे मंगाए, तो यहाँ पर गोलगप्पे खाना स्टार्ट कर दिया हमने, बहुत अच्छा लग रहा था। गर्मी में ना मतलब ये वाला बहुत राहत देता है, और इसका जो पानी ना पीने से ना मतलब अच्छा लगता है मुझे, ये मतलब कोई भी वो नहीं होता है जैसे एसिडिटी वगैरह, तो हाजमे का काम करता है। तो मुझे गोलगप्पा बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये लंबे वाले चावल है ना, इनको भिगो के रख दिया था, जब सब्ज़ी बनाई थी उसी टाइम भिगो दिया था। और यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आटा और मैदा मिला के, और अजवाइन वाला पूड़ी लगाया है। और यहाँ पे देखिए सब्ज़ी बन गया था, तो सब्ज़ी को मैंने इसमें निकाल लिया है। और ये बहुत छोटा सा वीडियो है मेरा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और चावल बन गए थे, तो इसका पानी मैं निकाल देती हूँ और इसका पुलाव बनाऊँगी। तो बस इसमें जितना पानी है ना, ये काफ़ी फूल के लंबे लंबे हो गए। मैंने दोपहर में जब सब्ज़ी बना रही थी ना, उसी टाइम में मतलब 3:30 बजे ही भिगो दिया था, ताकि ये फूल जाए। और यहाँ पे देखिए, फिर उस कढ़ाई में सब्ज़ी खाली करके धो के फिर इसमें पूड़ियाँ लगा दे, मतलब सेक लेंगे, ज़्यादा नहीं बनाना है, थोड़ा सा ही पूड़ी बनाना है मुझे। तो यहाँ पे फटाफट से पूड़ी बना लेती हूँ। और यहाँ अभी इस टाइम इतना अच्छा हवा चल रहा ना कि मन कर रहा बाहर ही बैठे रहो। काफ़ी देरी से नहा धो के ना हम लोग गली में ही बैठे थे, खूब अच्छी हवा चल रही थी और अच्छा भी लग रहा था, ठंडा ठंडा। अब पूरा दिन तो इतना गर्मी में थकते हैं ना हम लोग कि क्या ही बताएं, और गर्मी में ना वीडियो बनाने का भी इच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पूड़ियाँ सेकना स्टार्ट कर दिया है, ये छोटे छोटे पूड़ियाँ मैं बना रही हूँ, क्योंकि 8-10 ठो ही पूड़ी बनाना है, ज़्यादा नहीं। आज थोड़ा अलग खाने का इच्छा हो रहा था इन लोगों का, तो बस आज संडे है तो सब घर ही में होते हैं ना, तो इसीलिए। तो यहाँ पर पूड़ियाँ मैंने तल लिया, जिसका एक्स्ट्रा ऑयल जितना भी था कढ़ाई से निकाल दिया है। फिर इसी कढ़ाई में देसी घी डाल दिया मैंने, और इसमें थोड़े से गर्म मसाले खड़े वाले डाले हैं, और ये मतलब जो शिमला मिर्च और गाजर था वही मैंने डाले हैं थोड़े से इसमें, और काजू और किशमिश भी डाल दिया है थोड़ा सा, और उसी में चावल डाल दिया है, और थोड़े सा नमक डाला था चुटकी भर, क्योंकि सब्ज़ी में भी नमक है इसीलिए, और पूड़ी में भी नमक है, तो नमक नमक हो जाएगा, तो इसी में सब में चुटकी भर ही डाला है। और उसके बाद मिलाने के बाद ये टाइम हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था, 9:30 बज रहा था। तो बस अब खाना मैं निकाल देती हूँ, उन सबका लगे लगे खाना भी निकाल दूँगी और ये लोग खा लेंगे, तो आप लोग भी आ जाइए। तो यहाँ पे सलाद है, पुलाव है, और ये चिल्ली पनीर की सब्ज़ी है, और ये पूड़ी है। तो यहाँ पे सभी का मैं प्लेट इस तरह लगा लगा के देती जा रही हूँ, और ये लोग अपना मतलब हम सभी का, चारों जन का ही प्लेट एक साथ ही मैं इसे निकाल निकाल के रख दूँगी घर में, क्योंकि घर में उतना जगह नहीं हो पाता, यहाँ से तुरंत ही बनाया मैंने, तुरंत ही ऐसे निकाल निकाल के दे दूँगी। तो बस ये लोग भी अपना खा लेंगे, सभी का निकाल दूँगी, तो हम लोगों का चारों जन का, तो एक साथ ही बैठ के खा लेंगे।
तो बस जिस हिसाब से मतलब सब खाते हैं उसी हिसाब से सबका निकाल देती हूँ प्लेट में, फिर मैं भी बैठ के खाने